हेलो फूडीज, आज मैं आपको पात्रा की रेसिपी बताने वाली हूँ। जी हाँ, गुजरात की ट्रेडिशनल डिश और काफी फेमस पात्रा। काफी आसानी से बना सकते हैं आप इसे घर में, और बरसात में इसका खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको पात्रा की ये रेसिपी, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। काफी क्रिस्पी बनाई है हमने ऐसे इसे, आपको देखने से ही इसका सुनहरी रंग जो है वो देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि काफी क्रिस्पी है ये। आप ऐसे हम ट्राई भी कर सकते हैं इसे, आपको आवाज आएगी। तो काफी क्रिस्पी बने हैं हमारे पात्रा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं पात्रा। तो पात्रा बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आलू बड़ी। तो हमने आलू बड़ी के पत्ते ले लिए हैं। अब चलिए मैं आपको बाकी की सामग्री बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उसमें दो छोटे बाउल राइस का आटा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दो छोटे बाउल चने का आटा ऐड कर देंगे, बेसन, एक छोटा टेबलस्पून नमक, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, और आधा टेबलस्पून गरम मसाला, एक चमची हींग, पचने में आसानी रहती है इसलिए, एक छोटा टेबलस्पून तिल और तीन टेबलस्पून होममेड मसाला। ये होममेड मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, धनिया से बना है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर मैं इसकी रेसिपी आपको बता दूंगी, आप वैसे उसे बना के ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि मसाला एकदम से मिक्स हो जाए सब में, सारी चीजें जो है आपस में एक दूसरे से मिल जाए इस तरह से। और जो चने के आटे में हमेशा हम देखते हैं जो एक जारापन होता है, घट होता है, गुठलियाँ होती है, वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए, उसे भी हम दूर कर देंगे ऐसे मिक्स कर। और अब हम इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे जिससे कि इसमें खटासपन आएगी। आप उस खटासपन के लिए अगर इमली का पानी ना चाहें तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके पात्रा जो बनेंगे वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं इमली का, और इसे गूंद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आटा है जिस इसके लिए रेडी करना था पात्रा के लिए, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमें इसे ढीला ही गूंदना है इस आटे को, ताकि हम उस पर आसानी से लगा पाए। तो आप भी ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से ही गुनिएगा और ढीला होना चाहिए ये, जिससे कि हम पात्रा पे बहुत आसानी से लगा पाए और हमारा टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो। हाँ, अब हम पत्ते की जो है उल्टी साइड पर मसाला लगा देंगे, जो आटा हमने बनाया वो लगा देंगे इस तरह से। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आप सारी जगह पे इसे फैला के लगाए अच्छे से, ताकि हमें कहीं भी ऐसा ना हो कि इसका मसाले का जो आटे का जो स्वाद ना है, और हर जगह पे ये लगा मिले और सब में स्वाद। तो अच्छे से फैला के लगाइएगा इसे इस तरह से, पर ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा घाई में भी नहीं तो आपके पत्ते फट सकते हैं। आलू बड़ी जिसे हम कहते हैं पात्रा के पत्तों को, अब हम इस पे एक दूसरा पत्ता रख देंगे, और अब हम इसे भी मसाला जो हमारा जो मसाले वाला आटा है वो लगा देंगे अच्छे से।
अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पे भी हम ये जो मसाले वाला आटा है वो लगा देंगे। उसी तरह से हम ये दूसरी साइड भी फोल्ड कर देंगे और इस पे भी आटा हम लगा लेंगे। अच्छे से आटा लगाना है हमें इस पे भी, ताकि हम ये अच्छे से शेप में भी आए। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। पात्रा बनाने वाले जो रोल है वो हम तैयार कर चुके हैं इस तरह से। अब हम आपको आगे की रेसिपी बताएंगे। अब हम सबसे पहले पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें हमने नींबू डाल दिया ताकि हमारा बर्तन जो है वो काला ना पड़े। ऐसे एक प्लेट में हमें जिसमें पूरी तरह से आर पार दिखता हो, छिद्र हो, वैसा एक प्लेट ले लेना है। उसे हमें तेल लगा देंगे। ये मेरे पास रेडीमेड है पात्रा के लिए, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चरनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि छेद वाली होती है, तो मैं यहाँ पे ये इसमें तेल लगा दिया है मैंने। अब मैं पात्रा जो है उसमें एक एक रख दूंगी इस तरह से। इस तरह से हम इसे अंदर फिट कर लेंगे और इसे धीमे मीडियम आंच पे रखेंगे गैस को हम, और अब हम इसे ढक के रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से 15 से 20 मिनट हम इसे मीडियम आंच पे होने देंगे ताकि हमारे जो पात्रा जो है वो पूरी तरह से चढ़ जाए। तो अब हम इस पे ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ 15 से 20 मिनट हमने रखा है हमारे पात्रा को, और आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है पूरी तरह से। इसके कलर चेंज हो जाने चाहिए, जो एकदम पत्ते के जो ग्रीन कलर होते हैं वो थोड़े से अलग कलर, डल कलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा पात्रा जो है वो मतलब पूरी तरह से पक गया है, ऐसे हम कह सकते हैं इसे। चलिए अब आपको मैं आगे की प्रक्रिया बताती हूँ।
तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे, राउंड पीसेस में। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से। पहले हम जो है ये चाकू पे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये आसानी से कटे, और हम इसे इस तरह से थोड़ा सा मीडियम साइज, जो ना ज्यादा जाड़ा ना ज्यादा पतला, इस तरह से कट करें। हमें इसे न ज्यादा जाड़ा कट करना है न ज्यादा पतला, ये मीडियम हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो क्या है, तलने में ज्यादा आसानी रहेगी इसे हमें। हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे रखेंगे गैस को और इसे तलने का स्टार्ट। हम थोड़े से क्रिस्पी बनाएंगे इसे, इसलिए हमने तेल ज्यादा लिया है। अगर आप नॉर्मली खाना चाहें तो आप उसके हिसाब से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से रख दीजिएगा सब कुछ, देखिएगा कि ज्यादा भी ना डाले। अब हम इसे दूसरी साइड घुमा लेंगे।